दुश्मन से बेहतरीन बदला क्या है? उसको माफ करना और उस पर एहसान करना। आदमी दुश्मन को अपना गुलाम बनाता है जब उस पर एहसान करता है। बीमार पड़ा हो जाओ आप मिलने, फ्रूट भी लेके जाओ साथ में। वो बोलेगा नहीं नहीं जरूरत नहीं, नहीं लेते हम लोग। करेगा रख दो, कोई बात नहीं, खाना खाओ, जब अच्छे होंगे तब खाओ, कोई मसला नहीं। कैसे हैं? ठीक है। वो एकदम वो बोलेगा दुश्मनी मेंटेन करना है अपने को, फर्स्ट फेज जल्दी एंट्री दो मत उसको। कैसे हैं आप? कैसा हुआ एक्सीडेंट? कभी तो सोचेगा मेरी खुशी मनाने के लिए तो नहीं आए। आप भी ऐसा बोलो मत, अल्लाह जिसको भी करता बराबर देख के करता, ऐसा मत बोलो। आप हमदर्दी करो उससे, आप खामोशी से उसके साथ भलाई करो। जैसे वो रोजाना उसके बेटे को छोड़ने जाता था स्कूल, अब वो नहीं है, हॉस्पिटल में पड़ा, टांग उसके ऊपर है। आप खामोशी से उसके बेटे को, आप अपने बेटे के साथ उसको भी ड्रॉप किए, अपने बेटे को भी, उसको भी रिसीव किया, अपने बेटे को भी, बोलो मत आप उसको। जब आएगा वो 10 दिन के बाद, तब उसको मालूम पड़ेगा ऐसा किया, ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अब उसकी बैटरी पूरी क्या हो गई? दुश्मनी की बैटरी खत्म। अब वो दुश्मनी निभाने जैसा नहीं रहा। अब आपको बाहर मिलेगा कैसा करेगा? पहले जल्दी नहीं आएगा, वो आपके रेंज में नहीं आएगा, नेटवर्क में नहीं आएगा जल्दी, लेकिन धीरे धीरे आप भी मिले अस्सलाम वालेकुम। आप बोलो मत उसको, आप दुश्मनी नहीं करना, मैंने बहुत एहसान किया तुम्हारे ऊपर, नहीं, आप अच्छे से सलाम दुआ, कैसे ठीक ठाक है, अल्लाह अच्छा रखे आपको और अल्लाह महफूज रखे शर से, होते रहता जिंदगी में, हमारा भी होता आपका भी होता, हम एक दूसरे के लिए हैं। अच्छे से बोले आदमी, वो आपको बोले आ गया, आपने ऐसा ऐसा किया मेरे बच्चे को, अरे कोई बड़ी चीज नहीं है, आपका बच्चा है, मेरे बच्चे के लिए क्या आपके लिए क्यों नहीं करूंगा, दोनों दोस्त हैं खेलते साथ में। ये मत बोलो आपका बच्चा भी मेरा ही बच्चा है, बेवकूफ बातें करके और झगड़ा खराब मत करो, बेइज्जती करता मारपीट हो जाएगी उधर। तो समझदारी आदमी के मसाइल को हल करती, बेवकूफी मसाइल को और उलझाती है। अल्लाह ताला फरमाता वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह इदफा बिल्लति हिया अहसन फइज़ा अल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीयुन हमीम। अल्लाह ने फरमाया भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकते, दोनों का इफेक्ट बराबर इक्वल नहीं है, भलाई का असर बुराई का असर अलग होता है, अच्छा अखलाक बुरा अखलाक दोनों का असर अलग होता है। अच्छा अखलाक तस्खीरी होता है, वो गलबा पाता है, अच्छा अखलाक क्या होता है? गालिब रहता है हमेशा, बुरा अखलाक गिल्टी होता है, वो मगलूब रहता है। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह इदफा बिल्लती हिया अहसन, तुम बुराई के बदले भलाई करो, बुराई को दफा करो भलाई से। फइज़ा अल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीयुन हमीम, तुम देखोगे कि तुम्हारी जिससे दुश्मनी चली आ रही थी वो एकदम तुम्हारा करीबी दोस्त बन गया है, करीबी दोस्त बन गया है। तो आप अपने दुश्मन के काम आओ सही काम में, ये नहीं कि सिगरेट बीड़ी तंबाकू पीता है, एक्सीडेंट हुआ तो आप भी ले जाके दे रहे उसको, लो पियो, हाँ आपको लाने के लिए कौन नहीं तो मैं लेके आया, गलत काम में नहीं, सही काम में आप उसको, आप उसके ऊपर एहसान करो, उसका उसकी मदद करो, आप वो नरम पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आपका कोई फायदा है, इसलिए कि ये अखलाक का तकाजा है, इससे दुश्मनियां खत्म होती, समाज अच्छा बनता है। तो ये भी एक तरीका।